भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज की शुरुआत हो गई है। सीरीज का पहला मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने इस मैच को आसानी से 68 रनों से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पुरन ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और इस पर भारत ने 190 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज को शुरुआत से ही झटके लगे और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी सुरेश अय्यर ने बाउंड्री लाइन पर कमाल की फील्डिंग की। चौथे ओवर की पहली गेंद पर अश्विन के खिलाफ पूरन ने अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने मिड विकेट की तरफ बड़ा शॉट लगाया। गेंद छक्के के लिए जा रही थी, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे सुरेश अय्यर ने हवा में बाउंड्री के बाहर की गेंद को कैच किया और बाहर की तरफ गिरते हुए उसे अंदर फेंक दिया। वेस्टइंडीज को 6 रनों की उम्मीद थी, लेकिन उसे सिर्फ 2 ही रन मिले। सुरेश अय्यर ने भले ही फील्डिंग में कमाल किया, लेकिन बल्ले से वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। अय्यर को दीपक हुड्डा से पहले प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला था। उनके पास बड़ी पारी खेलकर खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन वो असफल रहे। 4 गेंदों पर अय्यर खाता खोले बिना आउट हो गए। उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। इस पर विराट कोहली खेलते हैं। दीपक हुड्डा ने आयरलैंड के खिलाफ यहां खेलते हुए शतक भी लगाया था। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में साल का पहला अर्धशतक लगाया। भारत का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा। रोहित ने 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर से फिनिशर की भूमिका निभाई। उन्होंने 19 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रनों की तूफानी पारी खेली। गेंदबाजी में भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अश्विन और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके और वेस्टइंडीज को 122 रनों पर रोककर भारत को जीत दिला दी। भले ही सुरेश अय्यर ने बल्लेबाजी में कमाल न दिखाया हो, लेकिन जिस तरह से सुपरमैन बनकर अय्यर ने फील्डिंग की, वो वाकई सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।